महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन होने के बावजूद लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। बढ़ते कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर से सख्त नियम लागू किए गए हैं। सरकार ने बुधवार शाम लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस के मुताबिक आम लोगों के लिए मेट्रो और लोकल ट्रेन बंद रहेगी। ये नियम 22 अप्रैल यानी आज सुबह 8 बजे से लागू होंगे। लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध 1 मई तक लागू रहेंगे। सभी केंद्र, राज्य और लोकल सरकारी दफ्तर 15% कैपेसिटी से चलाए जाएंगे। अगर मंत्रालय या फिर केंद्रीय सरकारी दफ्तर में ज़्यादा अटेंडेंस के साथ चलाना है तो उसके लिए महाराष्ट्र स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सीईओ से परमिशन लेनी होगी। शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं और जहां भी शादी समारोह चल रहा है वो सिर्फ 2 घंटे तक ही जारी रहेगा और इस नियम को फॉलो नहीं करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्राइवेट बसें 50% कैपेसिटी के साथ चलाए जा सकते हैं। इसके दौरान कोई भी यात्री खड़ा होकर यात्रा नहीं करेगा। ये बसें एक जिले से दूसरे जिले और एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाएंगी। जरूरी सेवाओं से जुड़ी या फिर किसी इमरजेंसी के लिए ऐसा किया जा सकता है और अगर इस नियम को फॉलो नहीं करते हुए कोई पाया जाता है तो उस पर 10,000 का जुर्माना होगा। एक जिले से दूसरे जिले में बस चलाने के लिए लोकल अथॉरिटी को जानकारी देनी होगी और जो भी यात्री एक जिले से दूसरे जिले में जाएगा तो उस पर बकायदा 14 दिनों का क्वारंटाइन का स्टैम्प लगाया जाएगा। हालांकि लोकल अथॉरिटी को ये अधिकार दिया जाता है कि क्वारंटाइन का स्टैम्प लगाने का फैसला लोकल अथॉरिटी ले सके। लोकल ट्रेन, मोनो मेट्रो का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के स्टाफ साथ साथ डॉक्टर और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट और लोकल अथॉरिटी की बसें 50% क्षमता में ही चलाई जा सकती है। इसमें कोई भी यात्री खड़ा नहीं रहेगा। लोकल ट्रेनों का मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही जिस व्यक्ति को मेडिकल इमरजेंसी है उस व्यक्ति के साथ जो मौजूद रहेगा उसे भी परमिट दिया जाएगा।